हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको भी अपने मी टीवी में स्क्रीन कास्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब कि दोस्तों, जब भी आप अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करने जाते हो गूगल होम एप्लीकेशन यूज़ करके, मोबाइल में तो सब कुछ आ जाता है मोबाइल शेयर करने के लिए, अपना स्क्रीन शेयर करने के लिए, लेकिन जैसे ही आप बैक बटन पर क्लिक करते हो तो मोबाइल तो बैक हो जाता है लेकिन टीवी में जैसा का तैसा ही दिखाते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात पर हम एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप सिंपल सा तरीका से आप अपने मोबाइल फ़ोन का सारा स्क्रीन आप अपने मी टीवी के साथ किस तरह से शेयर कर सकते हो। पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्क्रीन मिररिंग और स्क्रीन कास्ट, क्रोमा कास्ट, ये दोनों में डिफरेंट है। क्रोमा कास्ट और स्क्रीन मिररिंग में डिफरेंट है। जैसे क्रोमा कास्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपना पूरा वीडियो जो हम वीडियो प्ले करेंगे वो हम टीवी में दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्क्रीन मिररिंग में होता है क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन ही आप अपने टीवी के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ भी करें वो हमें टीवी में दिखाई देगा, चाहे वो वीडियो देखें या फिर फोटो या फिर कुछ भी, हम गेम भी खेलें तो मेरा टीवी में भी दिखाई देता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस टॉपिक के बारे में कि हम अपना मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन मिररिंग अपने मी टीवी के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अगर गूगल होम एप्लीकेशन यूज़ करके थक गए हैं तो आप उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन जिसका नाम है 1001TVS, जो आप मेरे टीवी में यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन से हमें स्क्रीन मिररिंग करने से मतलब है, ना कि कोई गूगल होम का एप्लीकेशन हो या फिर कोई और एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए और गूगल होम को पहले हटा दीजिए अपने फ़ोन से। उसके बाद क्या करना है, आपका टीवी जो है वो एक हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। आपको क्या करना है दोस्तों, चलिए मैं पहले आप यहाँ पर दिखा देता हूँ कि दोस्तों ये मेरा टीवी जो है Realme C2 फ़ोन से कनेक्टेड है, मतलब कि उसका जो हॉटस्पॉट क्रिएट किया था उसी से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। आप यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करके ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद से दोस्तों ये एप्लीकेशन अपने टीवी में इंस्टॉल करना है। फिर इंस्टॉल करने के जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का कोड जनरेट होता है, जैसे यहाँ पे QR कोड जनरेट हुआ है। यहाँ पे मिररिंग के लिए, यहाँ पे डिजिटल एल्बम भी हम यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा अपना फ़ोन मिरर करना है, तो यहाँ पे QR कोड एक जनरेट हुआ है। फिर दोस्तों आपको आना है अपने मोबाइल फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे भी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वही एप्लीकेशन है जो आपने टीवी में इंस्टॉल किया हुआ है, 1001TVS। ठीक है, तो चलिए हम आप यहाँ पे देख सकते हो इस एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, और ये भी आपका फ़ोन जो है एक दूसरे वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा जो फ़ोन है Realme C2 मोबाइल से कनेक्टेड है। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कुछ एड्स चलते हैं। ठीक है, तो एड्स को इग्नोर कीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू टू ऐप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपका लोकेशन, यहाँ पे जो भी यहाँ पे परमिशन मांगे जाएंगे उसको आप अलाउ कर दीजिएगा, तभी ये सब कुछ आपके फ़ोन में, आपका जो फ़ोन का जो स्क्रीन है वो आपके टीवी में शो करेगा। यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिरर मीडिया कर सकते हैं, यहाँ पे मिरर स्क्रीन कर सकते हैं। तो मिरर स्क्रीन करेंगे तो मिरर इंडिया सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे मिरर स्क्रीन वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड टीवी करके एक ऑप्शन आ रहा है, ये मेरे टीवी का नाम है, जैसे मैंने इसको एंड्रॉयड टीवी पे सेट करके रखा हुआ है। अगर हम डायरेक्ट एंड्रॉयड टीवी पे क्लिक करते हैं तो भी आप डायरेक्टली अपने टीवी का स्क्रीन टीवी से जुड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्कैन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हो, वो हमें बारकोड स्कैन करना है, सॉरी QR कोड। तो हमें स्कैन वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अलाउ कर देना है। अब ये हमारा फ़ोन उसको स्कैन करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो अब ये स्कैन हो चुका है और ये फाइनली लास्ट बार अलाउ करने के लिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे हम अलाउ करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा ये जो फ़ोन का स्क्रीन है वो मेरे टीवी पे दिख रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ से डायरेक्ट बैक भी कर देते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे गूगल होम की तरह ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी सिंपल तरीका है, बस आप गूगल होम एप्लीकेशन को हटाइए अपने फ़ोन से और ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए जिसका नाम है 1001TVS। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी भी यहाँ पे गूगल होम एप्लीकेशन है तो मैं इसको भी यूज़ कर रहा था लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको बताते हैं क्रोमा कास्ट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसको डिसकनेक्ट करते हैं यहाँ से, जो भी स्क्रीन मिररिंग हम किए हैं इसको।
देखिए, अगर मैं एमएक्स प्लेयर से प्ले करता हूँ तो अगर आपके पास आपके टीवी में एमएक्स प्लेयर एप्लीकेशन है तो बहुत जल्द ही वीडियो प्ले हो जाएगा, लेकिन अगर वो एप्लीकेशन आपके टीवी में नहीं है तो थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। तो चलिए हम अब एमएक्स प्लेयर को यूज़ करते हैं और एमएक्स प्लेयर से एक वीडियो आपको प्ले करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं एमएक्स प्लेयर को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे कैमरा वाले में कुछ वीडियो है, तो चलिए मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ, किसी एक वीडियो को। ये वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं वीडियो पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं कॉर्नर में, यहाँ पे क्रोमा कास्ट के लिए एक आइकन दिख रहा होगा, कास्ट करने के लिए, स्क्रीन कास्ट करने के लिए, सॉरी वीडियो कास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी का नाम आ चुका है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि दोस्तों मेरे टीवी में, मैंने पहले ही बताया था कि मेरे टीवी में एमएक्स प्लेयर एप्लीकेशन नहीं है, तो पहले ये ऑनलाइन पेज पहले थोड़ा सा टाइम लग गया दोस्तों, क्योंकि खुलने में टाइम लगता है, क्योंकि एमएक्स प्लेयर का डायरेक्ट ये पेज पे ले जाएगा, उसके बाद ये वीडियो प्ले करेगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे अब बहुत ही आसानी से वीडियो को प्ले कर दिया यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं क्रोमा कास्ट।